तो हमें सही मानों में इंसाफ के साथ सही बंदे का इंतखाब करना होगा। सबसे पहले यह समझे कि वोट कहते किसको है। वोट असल में इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, अरबी में इसको कहते हैं इंतखाब, उर्दू में कहते हैं किसी नुमाइंदे का चुनना। हम किसी न किसी नुमाइंदे को चुन रहे हैं वोट डाल के, तो वोट अच्छे इंसान के इंतखाब को कहते हैं। वोट का एक माना शहादत भी है, गवाही भी है, और शहादत और गवाही के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ईमान वालों को मुखातिब करके, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, कूनू कवामीन बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाह, कि तुमने गवाही देनी है अल्लाह के लिए इंसाफ के साथ। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। देखो इस्लाम कैसे दावा दे रहे हैं कि गवाही देनी है सच बोल के, सही जवाब दे के, सही मुंतखब करके, इंसाफ के साथ गवाही देनी। शुहदा अलिल्लाह किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए तुम सही जगह पर वोट डालोगे तो तुमने इंसाफ का पहलू नहीं छोड़ना। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। आगे क्या फरमाया? अविल वालिदैन वल अक्रबीन, चाहे वो गवाही देना इंतखाब करना तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे वो गवाही देना अच्छे इंतखाब करना, इंसाफ करना तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, तुमने अपने ईमान की गवाही सही ईमानदारी और इंसाफ के साथ देनी है। ये इस्लाम दावत दे रहे हैं सच्चाई की। अब कई बंदे कहते हैं हमें पता ही नहीं केड़ा सही है, क्या करें भाई, अच्छे बुरे की पहचान सबको है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, हमें आज सबसे बुरा जो लग रहा है ना, चाहे इलेक्शन देख लो चाहे मुआशरा देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी तबके के खिलाफ बातें दुनिया करती है और डट के करती है वो तबका उलमाए किराम के। क्यों जी, किसको सही कहें, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। भाई जब आप अपना काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, उस वक्त सही बुरे की पहचान हो जाती है। जब आपने किसी डॉक्टर के पास जाना हो दवाई लेने के लिए, उस वक्त क्यों नहीं कहते एक डॉक्टर के पास गया उसने बुखार के लिए नींद दे दी है, दूसरे के पास गया उसने पैनाडोल दे दी है, लिहाजा मैं दवाई लेता ही नहीं, कभी किसी ने ऐसे कहा है? वहां तो सही इंतखाब हो जाते हैं। वोट कसदन जानबूझ के ना डालना ये इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वला यअब शुहदा इज़ा मा दुऊ, जब आपको बुलाया जाए ना कि आओ जी शहादत दो, गवाही दो, इंतखाब करो कौन अच्छा है, इज़ा मा दुऊ, जब आपको पुकारा जा रहा है वला यअब, तुमने इनकार नहीं करना। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। इससे बढ़ के अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक तुम शहादा, तुमने अपनी गवाही को छुपाने भी नहीं है। वमैं यक्तुमहा, जो गवाही को छुपाता है, फइन्नहु आसिमुन कल्बु, उसके दिल के अंदर गुनाह है, दिल से गुनाह कर रहा है। इसलिए सही मानों में सही चीज का इंतखाब करना ये आपको अल्लाह ने हक दिया है, तो अल्लाह के दिए हुए हक को जाया करना ये गैर जिम्मेदारी का सबूत है और मुसलमान गैर जिम्मेदार नहीं होता।